सिक्किम गुरुद्वारा साहिबाना अते सिक्किम सरकार दे वल्लों गैर कानूनी निर्माण दी लटकाई गई तलवार नूं हटाउण वास्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरगर्म हो गई है। सिक्किम हाउस विच सूबे दे मुख्यमंत्री पवन चामलिंग दे नाल मुलाकात दौरान अकाली आगुआं ने सिक्किम सरकार वल्लों 1991 विच धार्मिक स्थानां बारे कढे गए नोटिफिकेशन दा वी चेता कराया। अकाली दल दे सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा, बलविंदर सिंह पुंदड़, दिल्ली कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जीके, जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा अते साबका राज्यसभा मैंबर तरलोचन सिंह, सीनियर अकाली आगू कुलदीप सिंह पोगल वफद विच शामिल सन। वफद ने गुरद्वारा साहिबाना नूं तोड़क दस्ते दे चुंगल तों बाहर कढ़न दी मंग करदे होए गुरद्वारा डांगमार साहिब दी मौजूदा स्थिति नूं बरकरार रखण वास्ते सुप्रीम कोर्ट वल्लों दित्ते गए आदेश दा वी हवाला दित्ता। जीके ने दिल्ली कमेटी वल्लों गुरुद्वारा साहिबाना दे चंगे प्रबंध, स्टाफ दी लोड़ अते मरम्मत आदिक लई सिक्किम प्रशासन नूं हर प्रकार दी सहायता उपलब्ध कराउण दी पेशकश कीती। साडे ऑनरेबल मैंबर पार्लीमेंट साहब चंदू माजरा जी, सार भुंदर साहब और फॉर्मर चेयरमैन मिनोरिटी कमीशन सार तरलोचन सिंह, यह सारे असी हुणे पवन मिस्टर पवन जी जिहड़े मुख्यमंत्री ने सिक्किम दे, उन्हां नूं मिल के असी आए हाँ। असी सारी दुनिया च वसदे सिखां दे सेंटीमेंट्स जिहड़े ने उह असी अपने जिहड़ा मेमोरेंडम दिता उहदे विच उन्हां नूं दित्ते ने। उन्हां ने सानू सारी गल नूं समझिया, सुनिया, जो साडी दिक्कत है उस नूं समझिया और उन्हां ने एक खदशा जताया कि मामला जिहड़ा सब जुडिस है क्योंकि कोर्ट कचहरी दे विच मामला जा चुका है, लेकिन असी उन्हां नूं आश्वासन दिता है कि सिख कौम सिर्फ इन्ना चाहती है कि जो साडा पहला स्टेटस सीगा उस स्टेटस को सानू मेनटेन होना चाहिए। महाराज का प्रकाश जिहड़ा उत्ते सीगा वह प्रकाश होना चाहिए और थले चुंग थां जिहड़ा नोटिस गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सानू आश्वासन दिता है नहीं सरकार दा ने, सरकार ने सानू यह कहा कि उन्होंने जानकारी च नहीं सीगा जिहड़ा नोटिस होया वह गलत होया। असी दस्या कि पहला तो उतले गुरद्वारा साहब तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने जिस तरीके थले गुरद्वारा साहब के बाहर छड़ गए हैं, ये बहुत वड्डी एक बेअदबी और कौम के अंदर बहुत वड्डा रोस आ। दूजी गल उन्होंने ये कही कि मैनू इसकी जानकारी नहीं सी, मीडिया सोशल मीडिया राही मैंने इसकी जानकारी मिली आ और असी दस्या कि एस डी एम जिहड़े उन्होंने दूजे गुरद्वारा साहब पर भी नोटिस दे दिता है, उन्होंने थोड़ा अश्योर किया कि किसी भी सूरत अंदर दूसरे गुरद्वारा साहब उत्ते भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तुसीं लोगों नूं मेरे बयाब से आश्वासन दवा दिओ कि कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी और 13 तरीक तो बाद असी बैठ के तो मैं अपने लोगों नाल गलबात करके उस स्थान की बहाली होवे इहदा मैं तुहानूं यकीन दवाना है। असी समझते हैं मुख्यमंत्री श्री पवन कुमार चैंबलिन जी ने जिहड़ा सानूं आश्वासन दिता है वो बड़े कॉन्फिडेंस नाल और बड़े सच्चाई तरीके नाल दिता है। अज जिस हिसाब नाल सीएम साहब ने विश्वास दवाया और दसिया कि असी इस मसले नूं हल भी करांगे, होर भी अगर तुहानूं जगह चाहिए है गुरधामां वास्ते असी वह भी देवांगे। सो मैनूं लगता कि जिथे असी पुरातन इतिहासिक स्थानां लड़ाई लड़ रहे हैं उत्थे एक नवीं जमीन देनी ताकि इत्थों यात्रू जाकर रह सकन। सिक्किम की गौरमेंट का जिहड़ा पॉजिटिव रिस्पोंस है ये बड़ा शलाघा योग है। अज देखो श्रोमणी अकाली दल ते दिल्ली कमेटी का जो डेलीगेशन सिक्किम के चीफ मिनिस्टर साहब को मिलिया एक गल तो असी बड़ी क्लीयर की है कि गुरु नानक देव साहब के महान सिद्धांत सरबत के भले तो उन्होंने गुरु नानक देव साहब न करोड़ों लोगों के जज्बात जुड़े पे हैं दुनिया भर के, उसे किसी तरह की भी कोई छेड़खानी जी उन्होंने जज्बातों ठेस पहुँचाती है और किसी तरह भी यह बर्दाश्त नहीं हो सकती जे कोई